الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على نعمه فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا حالقا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سجد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار کفران نعمت کے عنوان پر پانچویں تقریر آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے. ظاہر ہے کہ انسان چونکہ ضعیف البنیان ہے اس میں ایک خستگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, ایک تھکن سی محسوس ہوتی ہے اور جیسے جسم تھک جاتے ہیں اسی طرح سے دل تھک جاتے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں ان ھذہ القلوب تمل کما تمل الابدان, یہ دل بھی اسی طرح سے خستگی کے شکار ہوتے ہیں جیسے انسان کے جسم پر خستگی طاری ہوتی ہے, تھکن طاری ہوتی ہے. یاد فرماتے ہیں فعرضوا علیہا طرائف النعم, حکام جب اس طرح کی دلوں پر خستگی سی محسوس ہو تو دلوں کو حکمت کی باتیں سناؤ, حکمت سے آشنا کرو, ان کو بتلاؤ کہ عقل نے اپنی لذت و مسرت کی بقا کے لیے کن امور کی صحت کا اعلان کیا ہے اور کہاں عقل تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ عقل کے قبول اور رد پر
बहुत सी चीजें मुनहसिर हैं जहां इंसान नताइज को अक्स करता है। अकल ने तस्लीम किया, अकल ने नहीं माना। सबसे पहले ये अम्र पेश नजर रहे कि अकल वही है जो ये देखे कि अल्लाह पर सच कौन बोलता है और उसकी तस्दीक करे। युसद्दिकु बिस्सादिक अलल्लाह, जो अल्लाह पर सच बोले अक्ल उसकी तस्दीक करे। वो युकज्जिबु बिल्काज़िब अलल्लाह, और तकजीब करे अल्लाह पर झूठ बोलने वाले। अक्ल की पहचान ये है कि सिद्क़ और किज़्ब के साथ वो तकसीम करे अपने फैसलों की। अक्ल का काम ये नहीं है कि वो सिर्फ तफ्तीश हो, जस्तजू हो, तफ़ख़ुस में मुब्तला रहे, बल्कि अक्ल का काम ये भी है कि वो ये देखे कि सिद्क़ और किज़्ब कहाँ है और सिद्क़ और किज़्ब का मेयार क्या है। तो इमाम फरमाते हैं, ये उसूल काफी की हदीस है, किताबुल अक्ल में है, कि इरशाद फरमाया कि अक्ल वही है कि जिससे यह पहचाना जाए कि अल्लाह पे सच कौन बोल रहा है, और अक्ल उसकी तस्दीक करे जिससे यह पहचाना जाए कि अल्लाह पर झूठ कौन बोल रहा है और उसकी तस्दीक करे। तो अब इसके बाद अगर ऐसी अक्ल आपको मयस्सर आ जाए तो कुल्लमा हकमा बिहिल अक्ल हकमा बिहिल शरा, जिसका अक्ल हुक्म देती है शरीयत भी हुक्म देती है। कुल्लमा हकमा बिहिल शरा हकमा बिहिल अक्ल, और जिसका शरीयत हुक्म देती है अक्ल हुक्म देती है। अगर अक्ल मंजिल हिकमत पर मौजूद हो और सही तौर पर अपनी राह इख्तियार करे तो अक्ल में और शरीयत में जुदाई नहीं है, जुदाई नहीं है। नारे सलवार, इसलिए वो बेअकली जो इंसान को मजहब से बेदार बनाए जा रही है, वो बेअकली जो इंसान को खुदा दुश्मन और दीन नाशना किए जा रही है, उस बेअकली के लिए कोई सद्दबाब चाहिए, किसी मंजिल पर उसको रोकना चाहिए। खुसूसन मुस्लिम मुआशरे में जहाँ बच्चे मगरबी तालीम की जद पर आ रहे हों और उसके असरात से मुतासिर हो रहे हों, उनको बहर सूरत कहीं ना कहीं किसी न किसी दर्सगाह से ये तालीम मिलनी चाहिए कि जो असरात कबूल किए जा रहे हैं दहरियत व लामजहबियत व खुदा नाशनासी व मजहब बेदारी के, वो सही नहीं है। यानी अक्ल की कसौटी पर कस लेने के बाद ऐसा मालूम होता है कि सिवा बेअकली के कुछ नहीं, सिवा जहालत के कुछ नहीं है। और सिर्फ ये एक आम तरीका हो चुका है कि दुनिया को यह सिखलाया जाए कि ये ज़ईफ़ों की बातें हैं, ये बूढ़ों की बातें हैं, ये पीराना साल इंसानों की बातें हैं, पीराना साली की बातें हैं, और इस तरह से वो कोहना ज़माना, वो पुराने ज़माने के जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं थीं, इनके शाफात असरिया नहीं थे, ये उस दौर की बातें हैं। तो अब उनको अगर अक्ल से बतलाया जाए कि देखो जरा सा अक्ल को गौर जोर दो और करो, तो पता चलेगा कि कौन सी चीज है जिसको कुरान ने मना किया है दुनियावी तरक्की के एतबार से। हलाल और हराम के अहकाम बतला कर
हिल्लत की राहों में तरक्की के हर इम्कान को मुस्तहकम कर दिया कि जो चाहे जिस तरह से चाहे तरक्की की राह में आगे बढ़े। मगर ये कि इस बात का ख्याल रहे, इस बात का ख्याल रहे कि जिंदगी सिर्फ जज्ब का नाम नहीं है, जिंदगी दफा का भी नाम। खालिद-ए नहाल की मुहर्रम की तकरीरों में मैं ये कह रहा था, हयात तैयबा पर गुफ्तगू करते हुए वहां से एक ही जुमला ले लूं कि जिंदगी नाम है कानून जज्ब व दफा का, कि किसी को जज्ब कीजिए किसी को दफा कीजिए। पानी पीने के लिए है, पत्थर सर पर आए तो हाथ बेख्तियार उड़ जाता है ताकि चोट न लगे, रोकने के लिए तो वो दफा है वो जज्ब। अगर दफा करने की जगह आपने जज्ब कर लिया, अगर जज्ब करने की जगह आपने दफा कर लिया तो फौरन मौत वाक़े होगी। इस तरह से कुरान मजीद यह चाहता है कि जिसको जज्ब करना है उसको जज्ब करो, जिसको दफा करना है उसको दफा करो, जिसको हलाल किया है उसको हलाल समझो, जिसको हराम करार दिया है उसको हराम समझो, उसके बाद फिर तरक्की में तुम्हारी कोई रोकने वाला नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। चांद पर जाओ, सूरत पर जाओ, मरीख पर जाओ, सितारों की सैर करो, अपने मुआसिलात को मजबूत करो, अपने तंजीमात को देखो कि किस तरह से तुम अपनी जिंदगी को ढाल सकते हो, वो सब कुछ तुम्हारे लिए जायज़ है। मगर यही है कि ये जो हुक्म दिया गया है कि ये नेक है तो कयामत तक नेक है, ये बद है तो कयामत तक बद है, ये खैर है तो कयामत तक खैर है, ये शर है तो कयामत तक शर है, ये हलाल है तो कयामत तक हलाल है, ये हराम है तो कयामत तक। इस मंजिल पर गुफ्तगू करते हुए सिलसिले कलाम से मैं मरबूत हो रहा हूं, मुत्तसिल हो रहा हूं। इरशाद हुआ सूरह नहल में, अब देखिए इससे बढ़कर कोई मौजज़ा है? वो सक्करा लकुम शम्सा वल कमरा दाएबैन, ये गर्दिश करने वाले शम्सो कमर तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिए गए। ये चांद और सूरज जो मुसलसल चल रहे हैं हमने इनको तुम्हारे लिए मुसक्कर कर दिया। वो सक्करा लकुम शम्सा वल कमरा दाएबैन, जो मुसलसल हरकत कर रहे हैं। वो सक्करा लकुम लैल वन नहार, और तुम्हारे लिए रात को भी मुसक्कर कर दिया, दिन को भी मुसक्कर कर दिया। रात का अंधेरा भी तुम्हारे अख्तियार में है, दिन का नूर भी तुम्हारे अख्तियार में है। और सुनो, हमारी मंजिल तो यह है, वो आता कुम मिन कुल मौसल तुमूहू, और तुम्हारी जबान इस्तेदाद ने जो कुछ भी मांगा हमने दिया। वो आता कुम मिन कुल मौसल तुमूहू, तुमने जो कुछ भी मांगा हमने दिया। इन तउद्दू नेमत अल्लाही ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को गिनने बैठोगे तो हरगिज हरगिज न गिन सकोगे। इतनी नेमतें दी, इतने हमने एहसानात किए, इतने तुम पर हमारे करम हैं कि तुम उसका एहसान नहीं कर सकते। वो सक्करा लकुम शम्सा वल कमरा दाएबैन, वो सक्करा लकुम लैल वन नहार, व आताकुम मिन कुल मा सअलतुमूहु, और तुमको जो कुछ तुमने सवाल किया हमने तुमको दिया है, हमने तुमको दिया है। इन तउद्दू नेमत अल्लाही ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो उसका एहसान न कर सकोगे। जिसने जो मांगा, जिसने जो मांगा, जिसकी जबान इस्तेदा
जिसकी जबान हयात ने जो सवाल हमसे किया हमने रद्द नहीं किया, इसलिए रद्द नहीं किया कि कयामत के दिन कहीं ये हुज्जत हमारे सामने न लाए कि अगर दे देता तो तेरी बंदगी करते। अगर अता करता तू तो हम तेरी बंदगी करते, कहीं कोई हुज्जत न लाए, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। फिर उनकी जबान इस्तेदाद सल्तनत मांग रही थी, दे दिया। कारून की जबान इस्तेदाद बेपनाह दौलत का तकाजा कर रही थी, दे दिया। सबको देने वाला है, वही देने वाला है, मगर उसके साथ हिदायत की मंजिल पर बतलाया कि ये सही है, ये गलत है, ये खैर है, ये शर है, ये हक है, ये बातिल है, इससे बचो। देने के माना ये नहीं है कि तुम्हारे गुनाहों में मदद दे रहा हूं। देने के माने ये नहीं है कि तुम्हारी शर पसंदी में मदद दे रहा हूं। देने के माना यह है कि तुमने मांगा हुज्जत को खता करने के लिए मैंने दिया, मगर नबी उधर भेजे, किताब इधर भेजी, अक्ल की दौलत उधर दी, शऊर और हवास अता किए कि पहचानो नेकी क्या है और बदी क्या है। तो इस तरह से कोई कम से कम इस्लाम पर तो यह एतराज नहीं कर सकता कि इस्लाम ने हमको तरक्कियों से और दुनियावी तरक्कियों से रोका। बनाइए अगर बना सकते हैं आप अपने लिए सामान हर्ब व ज़र्ब की ताज़ा तरीन सनतें ईजाद कर डालिए और ताज़ा तरीन मालूमात हासिल करके अपने लिए जदीद तरीन असलहा बनाइए, किसे रोका है। अगर आप चाहते हैं हवाओं पर उड़ने का इंतजाम करें, जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि जमीन की ताक तक जाएं, तो जरूर जाइए, रोका किसने है। मगर यह है कि उसके कुछ अहकाम हैं, उसको मानना पड़ेगा, उसके कुछ अहकाम हैं, उस पर अमल करना पड़ेगा और उस पर अमल करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि यही सांस जो नेमत बन रही है, वो नेमत इसीलिए बन रही है कि इबादत खालिक में सर्फ हो। और अगर यही सांस कुफरान में सर्फ हो रही है, नाशुक्री में सर्फ हो रही है और खुदावंद अली आला से मुखालफत में सर्फ हो रही है, तो यह निकमत है, गुनाह है, यह अपने आप पर जुल्म है। और याद रखो कि जो नेमत इलाही से टकराता है, जो नेमत इलाही को ठुकराता है, नेमतें फिर खुद ब खुद मुतगैर हो जाती हैं। खुदा नेमतों को नहीं बदलता। और गालिबन आपको ये आयत सूरह अनफाल की याद होगी, जिसका उर्दू में तर्जमा कुछ सही नहीं हुआ। शेर की सूरत में खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, नौ जिसको किया लाभ अपने हालत के बदलने का, ये कोई तर्जमा सही नहीं हो सका। आयत कुछ और है, ज़ालिका बिअन्नल्लाह लम यको मुगैरन नेमतन अनअमहा अला कौमिन हत्ता युगैरू मा बिअन्फुसहिम। ये आयत ये है कि खुदावंद अली आला ने किसी कौम पर अता की हुई नेमत को उस वक्त तक नहीं तब्दील किया जब तक कि उन्होंने अपने नफ्सों में तगैर नहीं पैदा कर लिया। आपने देखा, यह है तर्जमा। खुदा ने किसी कौम पर अता की हुई नेमत को بِأَنَّ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ اللَّهُ متغیر نہیں کرتا نعمت کو جس کو وہ کسی قوم پر نازل کر چکا ہو۔ کسی فرد کی گفتگو نہیں ہے،
किसी कौम पर नाजिल कर चुका हो उसने हिम्मत को नहीं बदलता जब तक कि वो अपने नफ्सों में तगैयुर न पैदा कर लें, खुद उनके नफ्स न बदल जाएं, खुद उनमें तगैयुर न आ जाए। तो इसलिए तगैयुर नेमत का शिकवा चरखे कोहन से बेकार है, तगैयुर नेमत का शिकवा फलक पीर से बेकार है, तगैयुर नेमत का शिकवा अपने नफ्सों से हो। क्या दौलत थी कैसे छिन गई, क्या खजाने थे कैसे लुट गए, कहां कहां अमल दखल था और कहां कहां से वापसी हुई। ये सारी मंजिलें वो हैं जहां नफ्स इंसानी की जिम्मेदारी है और उसको देखना है कि उसने खुद अपने नफ्स में क्या तगैयुर पैदा किया था कि जिसकी बिना पर नेमतें छीन ली गईं, इनफरादी नेमतें भी और इज्तमाई नेमतें। और फिर चूंकि सिलसिला कलाम आगे बढ़ गया इसलिए चंद बातें याद रखिए, वक्त कम रहता जाता है और जो कुछ गुफ्तगू इस उन्वान पर है वो इंतहाई वसी है और इंतहाई वक्त गिर है, ज्यादा वक्त चाहती है। बहरहाल जो कुछ भी कहा जा रहा है इसी अंदाज से कहा जा रहा है कि आप महफूज करें, आप समझें। देखिए सबसे अजीब बात यह है कि इस आयत की तफसीर में खतीब मिंबर सलूनी इरशाद फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि इबादन यख्तस्सुहुम बिन्नियम, अल्लाह के लिए कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको वो नेमतों से मखसूस कर देता है। इन्ना लिल्लाहि इबादन यख्तस्सुहुम बिन्नियम फयुकिर्रुहा फी अईदीहिम इज़ा मा बदलू, जब तक वो नेमतों को तकसीम करते रहते हैं तो उस वक्त तक तो नेमतों को उनके हाथों में बाकी रखता है। व इज़ा मनऊहा नज़ाहा अन्हुम व हव्वलहा इला गैरहिम, और अगर वो नेमतों को अपने हाथों में रोक रखें और मुस्तहक को न दें तो उनसे नेमत को छीन कर दूसरों के हवाले कर देता है। ये जुमले को जरा बहुत गौर से सुने, इन्ना लिल्लाहि इबादन यख्तस्सुहुम बिन्नियम, अल्लाह के लिए कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको नेमतों से मखसूस कर लेता है और नेमत को उनके हाथों में बाकी रखता है जब तक कि वो बजलो नवालो जूदो सकाओ अता पे काम ले। और जहां उन्होंने नेमतों को रोका, हुक्म हुआ खींच लो, रास्ता बदल दो, हटा लो इसके हाथ से नेमत को, दूसरों को दे दो, तो नेमत बदल गई। मैं वापस आता हूं फिर उसी मंजिल पर जहां ये आप पांच मर्तबा कह रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया। तो एक मरतबा ये गौर और फिक्र के काबिल है कि यकीनन नेमतें उस घराने में होंगी कि जिस घराने से कभी नेमतों को छीना नहीं गया। जुमलों को आप समझ गए, यकीनन ये नेमतें उस घराने में होंगी, जो भी घराना हो, कि जिस घराने से आज तक इतने तवील अरसे में नेमतों को
छीना नहीं गया, इसलिए कि वहां दस्त करम रुकता ही नहीं, वहां दस्त अता थमता ही नहीं। और इसीलिए के जहां साइल यह समझ के जाता है, साइल यह समझ के जाता है जिस दरवाजे पर कि मांगूंगा मांगूंगा मगर देने वाला मेरे मकदूर से ज्यादा देगा, मेरे मकदूर से ज्यादा देगा। और फिर इस सूरत को नाजिल हुए कितने बरस हो गए, कितनी सदियां हो गई, या पहले यह तय कीजिए कि घराने बदलते गए। सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया, तो पहली सदी में कुछ लोग हैं, दूसरी सदी में कुछ लोग हैं, तीसरी सदी में कुछ लोग हैं, चौथी सदी में कुछ लोग हैं, आज कुछ लोग हैं जिनका रास्ता आप ढूंढ रहे हैं, तो कम से कम एक सदी के आदमियों की निशानदेही तो कर दीजिए कि सूरह हम में हम उनका रास्ता ढूंढ रहे हैं, उनके रास्ते पर चल रहे हैं। या तो यह तय कीजिए कि मुख्तलिफ घराने हैं, और यह दुआ के माने ये हैं कि परवरदिगार हमारे दौर में जिनको तूने नेमतें दी हैं उनका रास्ता, तो हमारे दौर में जिनको नेमतें मिली उनका हश्र भी हमने देख लिया, उनका हश्र भी हमने देख लिया। इसलिए नेमत का तसव्वुर बदल गया, नेमत का तसव्वुर बदल गया। और जिनको नेमत दी वहां ये नहीं है, ये नहीं है कि बेहतरीन गिजाएं नेमत है, नहीं, वहां नाने जमी नेमत है, ये नहीं कि वहां रातों की नींद नेमत है, नहीं, वहां तमाम शब की बेदारी नेमत है, वहां जान को बचाना नेमत नहीं है, जान को जान देने वाले के हवाले कर देना नेमत। बहरहाल इस मंजिल पर यह तय करें कि घराने अलग अलग हैं। अजीब बात है, देखिए मिल्लत से ये एक अजीब सवाल है, सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम का तायुन चाहिए हमें, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया वो कब रहे, वो कब रहे, किस दौर में रहे। अगर वो किसी दौर में भी हो तो यकीनन आज तक नेमतें उसी घर में हैं, उसी घर में है। छीना नहीं नेमत को, इसलिए नहीं छीना कि नेमतें उस घर में रुकी नहीं, रुकी नहीं। तो इस तरह से नेमत का तकाजा ये है कि वो जिन हाथों में आए उन हाथों से वो नेमत तकसीम भी हो, और देने वाला ये वादा कर रहा है कि अगर तुम तकसीम करो तो घबराना नहीं, जितना दोगे उससे ज्यादा दूंगा, जितना दोगे उससे ज्यादा दूंगा, इसकी फिक्र ना करो। तो इसलिए हमारे वास्ते एक मसला यह भी है कि हमको जरा देख समझ के सवाल करना पड़ता है, किससे मांगे किससे न मांगे। साकिब लखनवी का एक शेर है और अजीब अंदाज में कह दिया, गजल का शेर है, दे सदा है दिल,
بے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر, بے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر. ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا, ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا. وہاں کوئی سائل جاتا ہی نہیں, یہ آپ کے ذاتی تجربات ہیں کہ جس محلے میں جس گھر سے کچھ ملتا جلتا ہے وہی سائل پکار کے پھر کئی گھروں کو چھوڑ کے پھر اس گھر پہ جاتا ہے جہاں کچھ ملتا ہے. تو ان گھروں پہ سائل نہیں جاتے جہاں سے کچھ نہیں ملتا. آپ نے دیکھا کہ سوال کرنے کا بھی ادب ہے, جہاں ملے وہاں پکارو. اس لیے ہم آواز جب لگاتے ہیں تو یہ نہیں کہ کسی تنہائی میں آواز لگائیں, کسی کے در پہ آواز لگائیں, نہیں, مجمع میں بھی اگر ان کا نام لے کے آواز دے تو یہی سمجھ کے آواز دے رہے ہیں حرف ندا کے ساتھ, یا کے ساتھ, کہ کچھ نہ کچھ ملے گا. ان کے علاوہ کسی اور نام کے ساتھ یہ حرف ندا زیب دیتا ہی نہیں. تو کو آپ سمجھ گئے, زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ تقریروں کو سنتے سنتے ظاہر ہے کہ اب طبیعتیں اس امر پر آمادہ ہیں کہ آپ اس کے رمزیت کو, اس کی علامتیت کو, اس کی اشاریت کو, اس کے سمبلزم کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ جیسے گویا آپ ہی کا دیا ہوا علم ہے. بہرحال آپ نے سنا کہ دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر, ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا. تو ان دروازوں پہ جا کے کیا کیجیے, ان دروازوں پہ جا کے کیا کیجیے. معاف کیجیے, واحد علی شاہ نے ایک چھوٹی سی زمین میں مرثیہ کہا تھا, اور مشہور مرثیہ رن میں ابرو کا ماں کی آمد ہے. حضرت علی اصغر کے حال کا مرثیہ ہے, میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا ہوں, مگر میں آپ بتلا رہا ہوں جب عطا کا ذکر آیا, رن میں ابرو کا ماں کی آمد ہے, اصغر بے زباں کی آمد ہے, بھوکے کی ناتواں کی آمد ہے, پیاسے کی نیم جاں کی آمد ہے, یہی خیمے میں شورا ہوتا ہے, وعدہ ان کا بھی پورا ہوتا ہے. یہ کہتے ہوئے وہ اس منزل پر پہنچے کہ حسین ابن علی نے اس بچے کے لیے پانی طلب کیا. تو اس وقت واحد علی شاہ اختر کہتے ہیں سب پر ظاہر ہے اس کے جد کا حال, سائل کور نے کیا جو سوال, نان دے اے شہ خجست قصال, بولے قمبر سے آپ نان نکال, بھوکا ہے اب نہ دیر کر قمبر, جلد سائل کو پھیر کر قمبر. بولا وہ نان ہے شتر پر بار, کہا دے اس شتر کی اس کو مہار, کہا وہ ہے شتر میان خطار, کہا دے دے خطار بے تکرار. ظاہر ہے اس کے جد کا حال, سائل کور نے کیا جو سوال, نان دے شہ خود سقسال, بولے قمبر سے آپ نان نکال, بھوکا ہے اب نہ دیر کر قمبر, جلد سائل کو سیر کر قمبر. بولا وہ نان ہے شتر پر بھار, کا دے اس شتر کی اس کو مہار, بولا وہ ہے شتر میان قطار, کا دے دے قطار پہ تکرار. سنتے ہی حکم میر کوثر کا, چھوڑ کر ریسمان کو سرکار. پوچھا مولا نے کیا سبب اس کا, عرض کی دل میں اپنے میں سمجھا, بہرے بخشش ہے جوش پر تیرا, مجھ کو دے دو تو کیا کروں مولا.
जवाब इसका अर्थ की दिल में अपने मैं समझा बहरे बख्शीश है जोश पर तेरा मुझको दे दो तो क्या करूं मौला ऐसे फैयास का ये पोता ऐसे फैयास का ये पोता है। छठा मिसरा जाहिर है गमंगेज है दर्दनाक है इसलिए उसको फिर किसी और मौके पर आप सुनेंगे। मैं याद कर रहा था कि अता और देन इसीलिए है कि नेमतें उधर से मुसलसल हैं और यहां से भी अता मुसलसल है। मांगने वालों की कमी नहीं है, हर दौर में मांगने वाले मांग रहे हैं, हर असर में मांगने वाले मांग रहे हैं और मांगने वालों को हज़्ब इस्तेदाद मिल रहा है, हज़्ब सलाहियत मिल रहा है। तो इस तरह से वो घराना जो मुसलसल दिए जा रहा है उससे नियमतें सल्ब नहीं होती। अमीन मोमिनीन का कानून ये है कि जब तक देते रहते हैं नियमत रहती है, जब रोक लेते हैं हाथ को नियमत हट जाती है। तो अब हम जिस घराने को इशारा करके कह रहे हैं सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया, वहां नेमतें अब भी हैं या नहीं हैं? हैं, हैं तो एक ही घराना है जो मुसलसल दे रहा है या कई घराने हैं? एक घराना है, उन लोगों का रास्ता, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया है। तो उस घराने से जहां नेमतें मुसलसल मिल रही हैं वहां नेमतों को अल्लाह ने रोका नहीं है, नेमतों को अल्लाह ने रोका नहीं है, नेमतों का नुजूल मुसलसल, नेमतों का नुजूल मुसलसल है। इसलिए वहां गुफ्तगू हम जैसे बज़ाहिर सांस खींचने वाले ये नहीं कर सकते कि ये जिंदा है या मुर्दा। देखिए मैंने अजीब गुफ्तगू छेड़ दी अपने सिलसिले कलाम में। अब आखिरी मंजिल यही है कि भाई जिनका तस्किरा कर रहे हो वो तो मुर्दा है, तो ये हयात और मौत का मेयार हम सितम जरीफों का नफस खींचना है ना, हम अपने आप को मेयार बना रहे हैं किसी की जिंदगी का और किसी की मौत का कि हमारा नफस रुका मौत, हमारी सांस चलती रही जिंदगी, यही मेयार है। मगर कुरानी मेयार भी कुछ है और कुरान की आयत आपको याद है मगर सिलसिले से मैं पढ़ूं तो नेमत का जिक्र फिर मौजूद है। लाओ तहसबन अल्लज़ीना कुतलू फी सबीलिल्लाह अमवातन, अल्लाह की राह में कत्ल होने वालों को मुर्दा न कहो। लाओ तहसबन अल्लज़ीना कुतलू फी सबीलिल्लाह अमवातन बल अहयाउन, वो जिंदा हैं, इंद रब्बिहिम युरज़कून, फरहून बिमा आताहुमुल्लाह मिन फज़ले, वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यलहक़ू बिहिम, अल्लाह ने जो फजल से दिया उनको उस पर खुश है और बशारत तलब है उन लोगों के मुतालिक जो अभी आए नहीं बाद में आने वाले हैं। अल्लाह खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अब उनको डरने की जगह नहीं है, अब उनको हुज़्न का मकाम नहीं है। और फिर यस्तबशिरूना बिनिअमतिन मिन अल्लाहि व फज़लिन, ये वो मरने वाले हैं जो मुसलसल ऐलान कर रहे हैं अपनी खुशी का कि अल्लाह ने हमको नेमतों से सरफराज किया। ये आले इमरान की आयत है।
آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو مردہ نہ کہو, شہید ہیں وہ زندہ ہیں, ان کو ہم رزق دے رہے ہیں, نعمت رزق مل رہا ہے, نعمت رزق, نعمت رزق مسلسل ان کے لیے آتا ہے, نعمت رزق ان کے لیے ہے, اور اس رزق کی نعمت کو وہ لیے ہوئے, وہ لیے ہوئے سب کو ابھی تک بانٹتے جا رہے ہیں, تقسیم کرتے جا رہے ہیں, وہاں تقسیم نہیں رکتی. اور پھر آخر میں تو یہ ارشاد کہ تبشرون بنعمت من اللہ وفضل, وہ بشارت طلب ہیں کہ ہم ان کو خوشخبری دیں کہ کیا نعمتیں تم پر نازل ہو رہی ہیں, یہ نعمتیں تم پر نازل ہو رہی ہیں. تو اللہ کا سلام ہو ان نعمت پانے والوں پر, سلام علیکم بما صبرتم, تم پر سلام ہو کہ تم نے یہ صبر کیا, سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار, کیا اچھی جگہ تم نے پائی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ رزق صبر ہے, یہ رزق جود و عطا ہے, یہ رزق علم ہے, یہ رزق معرفت ہے, یہ رزق عقل ہے, اور یہ ساری نعمتیں ہیں جو ان کو عطا ہوئی ہیں, اور یہ برابر تقسیم ہوئی جا رہی ہیں, تقسیم یہ کرتے جا رہے ہیں. جن کو حزب حوصلہ, حزب استعداد اور حزب طلب یہ نعمتیں مل رہی ہیں, ان کا دل جانتا ہے, ان کا دل جانتا ہے کہ ان میں صلاحیت نہیں ہے مگر دین ہے, دین ہے. مفکر ہے تو فکر کی دولت مل رہی ہے, شاعر ہے تو شعر کی دولت مل رہی ہے, حکیم ہے تو حکمت کی دولت مل رہی ہے, عالم ہے تو مسائل کو جاننے کی توفیق عطا ہو رہی ہے. جو جس راہ پہ مانگے گا اسی راہ میں پائے گا, اسی راہ میں پائے گا. تو اس طرح سے ہم نعمت مانگ رہے ہیں, ہدایت چاہتے ہیں کہ ہم کو راستہ بتلا, ہم کو راستہ بتلا ان کا جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. اور ہاں, اے میرے پروردگار, راستہ وہی ہے, راستہ وہی ہے جو ظلمتوں سے نکالے, راستہ وہی ہے جو نور تک پہنچائے, راستہ وہی ہے جو اندھیرے سے بچائے, راستہ وہی ہے جو روشنی تک پہنچائے. کل کی گفتگو تھی, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا, ولایت کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو ظلمت سے نکالے اور نور تک پہنچائے. یہ شان عطا ہے, یہ شان عطا ہے. آپ صرف نعمتوں کو ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ان کو گھر ملا کہ نہیں, ان کو دولت ملی کہ نہیں, ان کو زر و مال دنیا عطا ہوا کہ نہیں, اس پہ کل غور کریں گے. نہیں, یہ نعمت نہیں ہے. نعمت تو وہ ہے کہ جہاں آپ یہ مانگ رہے ہیں کہ پروردگار سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے, ظلمت سے نکال, ظلمت سے نکال, نور میں پہنچا, نور کی بستی میں آئیں گے تو مولا کہیں گے مانا منا فی درجاتنا, ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہیں, ہم سے ہیں, ہمارے درجوں میں. وہ اس وقت کہیں گے ظلمتوں سے نکال, نور تک پہنچا. ولی کا کام ہی ہے, ولی کا کام ہی ہے کہ وہ اندھیرے سے نکالے, اندھیرے سے نکالے. اب وہ اگر جہل کا اندھیرا ہو تو علم کا نور دے, اگر وہ بے ایمانی کا اندھیرا ہو تو ایمان کا نور دے, اگر وہ کم عقلی کا اندھیرا ہو تو عقل کا نور دے, اگر وہ شرک کا اندھیرا ہو تو توحید کا نور, اگر وہ فجور کا اندھیرا ہو تو تقویٰ کا نور. بہرحال اندھیروں سے نکالے, نور میں پہنچائے اور نور کی بستی میں لائے, یہ کام ہے ولی کا, ولی کا. اور اگر کوئی جاہل ہو خود تو وہ دوسروں کو کس طرح سے علم کے اندر
नूर में पहुंचाएगा और जहल के अंधेरे से निकालेगा। मेरी गुफ्तगू आप सुनो, यानी खुद अगर कोई जाहिल हो अंधेरे से निकालेगा कैसे दुनिया को। इसलिए इरशाद हुआ, इन अल्लाह ला यत्तखिज़ु जाहिलन वलिया, खुदा जाहिल को वली बनाता है। इन अल्लाह ला यत्तखिज़ु जाहिलन वलिया, खुदा जाहिल को वली नहीं बनाता। अब जो जुहला के पीछे चले वो जान ले कि और तारीकियों में जा रहे हैं, नूर से हट रहे हैं। इसलिए दिल से आवाज दो, एहदना सिरात अल-मुस्तकीम, सिरात अल-लज़ीन अनअमत अलैहिम, उनका रास्ता जिन पर तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया। वो औलियाए नेअम हैं, ज़ियारत जामिया का जुमला, वो नेमतों के वाली हैं। अल्लाह वली है, रसूल वली है, और वो साहिबान ईमान वली है जो नमाज को कायम करते हैं, जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं। आयत याद है ना आपको, अल्लाह वली, वली की अपनी तारीफ ये थी कि युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलमात इलन नूर, फिर रसूल वली उसका भी काम यही, फिर साहिबान ईमान वली जिनके लिए ये इख्तिसास, जिनकी खुसूसियत के नमाज कायम करें और ज़कात दें हालत रुकू में, तो यकीनन वो भी निकालते हैं, वो भी निकालते हैं जुल्मतों से और नूर तक पहुंचा रहे हैं, बशर्ते कि कोई उनके दामन से लिपट जाए। उनके दामन से लिपट जाए तो एक अजीब बात यह है कि ये एक ही नाम मिला आदम और आलम की तारीख में, जो लफ्ज वली के साथ हम रंग हो गया। ये एक ही नाम मिला, एक ही नाम मिला जो लफ्ज वली के साथ हम आहंग हो गए, हम वजन हो गया। वजन में भी बराबर, रंग में भी बराबर। ऐसा मालूम हुआ कि या अली कहो या वली कहो, मैंने कभी माह मुबारक रमजान की तकरीरों में अर्ज किया था कि जरा सी फिक्र को अगर आप वसअत दें तो एक शुभा दूर हो जाएगा, और उस इश्तबाह को दूर करने की कोशिश कीजिए, और वो ये है कि अबू तालिब के एक बेटे ही का नाम अली नहीं है। यानी मैंने ये कहा था कि अली एक शख्स वाहिद का नाम नहीं है। सिरात अल्लज़ीन अनअमत अलैहिम की तफसीर में अली एक सिलसिले का नाम है। मैंने कहा था आपको याद, अली एक सिलसिले का नाम है। आज तरक्की उसमें यह है, फिक्र में अली एक सिलसिले का नाम है। इसलिए हमने उस पूरे सिलसिले में से फकत अली को लिया। यानी हमको यह कहने की जरूरत नहीं कि हुसैन हुज्जत खुदा है, हमको यह कहने की जरूरत नहीं कि इमाम मोहम्मद बाकर हुज्जत खुदा है, हमको यह कहने की जरूरत नहीं कि मूसा बिन जाफर हुज्जत खुदा है। क्योंकि पूरा सिलसिला अली है, इसलिए फकत एक कलमा काफी है, अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह। शुभा होगा कि ये कलमा बदलता क्यों नहीं है, क्यों बदले कलमा, अरे सब अली है। तो इस तरह से
इस तरह से विलायत की एक गवाही पूरे घराने की गवाही है, पूरे सिलसिले की गवाही है। यह पूरे सिलसिले का नाम है, यह पूरे सिलसिले का नाम है। करबला में हो तो अली, शाम के रास्ते में हो तो अली, जफरे बगदाद पर हो तो अली, सुरमनरा के कैद खाने में हो तो अली। अली एक सिलसिले का नाम। और जब आपने कहा अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि अली अल्लाह का वली, तो उसके माना यह है कि आपने पूरे उस सिलसिले की विलायत का ऐलान, और विलायत का ऐलान आपको करना इसलिए जरूरी है कि यही वो घराना है, यही वो सिलसिला है जिस पर नेमतें मुसलसल आ रही हैं। وَأَزْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً, अल्लाह ने तुम पर अपनी नेमतों को नाजिल किया है, कुछ नेमतें जाहिरी हैं, कुछ नेमतें बातिनी हैं। وَأَزْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً, नेमतें कुछ जाहिर है कुछ बातिन। और सूरह अनाम में इरशाद हुआ वो जरूर इसम ज़ाहिरहु व बातिनहु, गुनाह से बचो, उसके जाहिर से भी बचो, उसके बातिन से भी बचो। तो जैसे गुनाह में जाहिर व बातिन है, इसलिए नेकी में भी जाहिर व बातिन है। जैसे निकमत में जाहिर व बातिन है, उसी तरह नेमत में भी जाहिर व बातिन है। तो जाहिर नेमत यह है कि जहां तुम दुनिया की नाम निहाद नेमतों पर नजर डाल रहे हो, और बातिन नेमत यह है कि दिल का रुझान किसी तरफ हो, दिल की रगबत किसी तरफ हो, रुख तू या मौला हो, एक ही तरफ निगाह काम कर रही हो। और बार बार कह चुका हूं फिर कहता हूं, ये मशहूर शेर है सब्जवारी का, मुल्ला हादी सब्जवारी शरह मंजूमा, वो बेख्तियार कहते हैं कि इंसान कामिल उस वक्त होता है यानी हम जा बाहम का दर हम का, यानी हम जा बाहम का दर हम कार, मीदार नेहुफ्ता चश्मे दिल जानिबे यार। तुम किसी हाल में रहो, कहीं रहो, किसी काम में रहो, मगर दिल की आंखें दोस्त की तरफ लगी रहे, उधर देख। याने हम जाओ हम कस दर हम कार, मीदार नेहुफ्ता चश्मे दिल जानिबे यार। तो इस तरह उस चश्मे विलायत से सैराब होने वाले जब अपने आप को उन मनाजिल पर देखते हैं कि जिन मनाजिल की रफ़तों को देखकर इंसान दूसरे परेशान हो जाते हैं, तो समझते हैं कि अल्लाह की नेमतें हैं, ये अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की इनायत है, ये उसका उसकी वो अता है कि उसने अपने साहिब नेमत बंदों के सदक़े में उसने हमको सरफराज किया है उस अता से, और वो अता दी है। बारहा बारहा ये नेमत है, ये इज्तिमा नेमत है, ये जिक्र नेमत है, जिक्र में शिरकत नेमत है, दिल का इत्तेहाद व इहतिजाज व मसर्रत नेमत है, आंखों में नमी का आना नेमत है, आंसू का डबडबाना नेमत है, आंसू का टपक पड़ना नेमत है। हर कस और नाकस को ये नेमतें नहीं मिलती, हर कस और नाकस को ये नेमतें नहीं मिलती। उसके लिए साहेब दर्द दिल चाहिए, और दर्द वाले दिल के लिए यकीनन यही नेमतें हैं कि जिनका अंदाजा आपने किया है इन महफिलों में। हमने देखा कि सुबह से शाम और शाम से सुबह जिनकी जिंदगी इबादत में गुजरी, मुसलसल रोजे, मुसलसल शब्बेदारी, मुसलसल नमाज,
مسلسل ذکر رسول مسلسل تلاوت قرآن وہ زندگی عابدوں کے زینت کی ہے وہ زندگی ساجدین کے سید کی ہے وہ زندگی جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ اس امام کی ہے کہ جس امام کا ذکر مسلسل کل سے آپ سن رہے ہیں وہ جو کاروان کربلا کا نگراں ہے باد حسین جس کے ذمے اس قافلے کو سونپ دیا گیا ہے اور میں نے اسی اذاخانے میں ایک مجلس میں میرانیس کے ایک مرثیے سے اس بند کو پڑھا تھا میں نے کئی مرتبہ اس کے بعد پڑھا ہے مگر تسلی نہیں ہوتی اس لیے پھر کہتا ہوں کہ وہ کارواں ہے کارواں سالار ہے وہ ناخدائے کشتی امت ہے وہ آدم آل محمد ہے تو میرانیس نے اس منزل پر اس بند کو کہا کہ جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام رخصت کے لیے آئے اور عابد بیمار کو بے ہوش پایا واپس آئے اور بہن سے یہ کہا بڑا عجیب بن کہا اور بہت تڑپا دینے والا بن ہے بہن سے کہا کہنا عابد سے یہ پیغام میرا باد سلام کہنا عابد سے یہ پیغام میرا باد سلام غشتے تم پھر گئے دروازے تلک آ کے امام قید میں پھنس کے نہ گھبرائیو تم اے گلفام کاٹیو صبر و رضا سے سفر کوفہ و شام ناؤ مجدھار میں ہے زور تلا تم جانو نہ خدا جاتا ہے گھر جانے بس اب تم جانو مجدھار میں ہے زور تلا تم جانو نہ خدا جاتا ہے گھر جانے بس اب تم جانو تو اس طرح سے کارواں سالار بنایا اور اس قافلے کو لے کے سید سجاد چلے مسلمان مورخین میں طبقات ابن سعد کو بڑا وقار حاصل ہے اور بار بار طبقات ابن سعد کا تذکرہ کیا جاتا ہے بڑی ضخیم کتاب ہے اور طبقات ہی پہ گفتگو ہے صحابہ پر تابعین پر تبع تابعین پر مختلف طبقات تو تابعین پر گفتگو کرتے ہوئے جب عابد بیمار کا تذکرہ کیا ہے صاحب کتاب نے تو اس واقعے کو لکھا ہے طبقات ابن سعد کہ جب شام کے قریب قافلہ پہنچا اور امام مظلوم زیادہ پا تھے زنجیروں کو تھامے ہوئے تھے قافلہ آگے بڑھ رہا تھا تو یہ طبقات کی روایت ہے شوق سے آپ دیکھیں ہم مقتل میں بڑے محتاط ہیں جب کبھی مقتل پڑھیں گے احتیاط سے پڑھیں گے تو مسجد سے ایک کودا پشت بوڑھا باہر آیا اور قرآن پڑھتے پڑھتے باہر آیا آواز
ज्यादा थी, शोर गुल ज्यादा था, घबरा क्या है। देखा कोई काफिला आ रहा, किसी ने पूछा काफिला कौन, कहा यह काफिला वो है कि बादशाह वक्त पर इसके सरदार ने खुरूज किया था, उसको कत्ल कर दिया गया है, उसके बच्चों को कैदी बनाया गया। आबिद बीमार के करीब पहुंचे और कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खज़लकुम, उस खुदा का शुक्र है जिसने तुमको रुस्वा कर दिया। इमाम ने कहा क्या कह रहा है, कहा तुमने पाचा है वक्त से बगावत। आपने फरमाया भाई तूने कुरान की तिलावत की है, कहा हाँ मैं अभी कुरान ही पढ़ रहा था। कहा तूने सूरह शूरा में उस आयत की तिलावत की, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, कहा। कहा तूने सूरह अहज़ाब में उस आयत की तिलावत की, إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, कहा। कहा तूने उस आयत की तिलावत की, فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, कहा। मगर इन आयतों का तुमसे क्या ताल्लुक है, ये आयतें तो आले मोहम्मद के लिए, ये आयतें तो आले मोहम्मद के लिए। तो आपने फरमाया नहनु आले मोहम्मद, आले मोहम्मद तो हम हैं। वो एक मर्तबा घबराया और उसने कहा कसम खाओ, तुम कसम खाओ कि तुम आले मोहम्मद हो। आपने कहा वल्लाही नहनु हम, अल्लाह की कसम हम आले मोहम्मद है। तो उसने कहा नाम क्या है, कहा अली, कहा बाप का नाम, कहा हुसैन, कहा हुसैन फातिमा का बेटा, कहा अल्लाह यह इनकलाब आया, यह इनकलाब आया कि मोहम्मद की बेटी का बेटा कत्ल हो गया, कहा। यहां तक तो तबकात की रिवायत थी, इसके बाद नासिक ज़ैनबिया के ये जुमले। उसने कहा कि फरजंदे रसूल ये नाकों पे कौन है, तो ये मेरी माँ फूफी बहने जो फातिमा की बेटियां हैं, ये मोहम्मद की नवासियां हैं। क्या फरजंदे रसूल मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं लड़ नहीं सकता, मैं लड़ नहीं सकता मौला, मगर मुझे इजाजत दीजिए कि इन नाकों के सामने लेट जाऊं ताकि ये नाके मुझे कुचलते हुए जाए और कयामत के दिन मैं अल्लाह के रसूल को ये कह सकूं कि मैंने आपकी नवासी को बेपर्दा नहीं देखा।